हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट जो आपका इस वीक हुआ था फिजिक्स का। टॉपिक क्या था? वर्क पावर एंड एनर्जी। देखो, टेस्ट के बहाने आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है और यहाँ पे डिस्कशन भी हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ स्टोन ऑफ मास एम वन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी सडनली एक्सप्लोड्स ऑन इट्स ओन इन टू टू फ्रैगमेंट्स। इज द फ्रैगमेंट ऑफ मास एम टू इज एट रेस्ट, द स्पीड ऑफ द अदर फ्रैगमेंट इज। देखो यार, ये क्वेश्चन आपका वर्क पावर एनर्जी का नहीं है, सेंटर ऑफ मास का है। क्या बोल रहा है? एक स्टोन है जिसका मास है एम वन, ठीक है, ये अपने आप एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड होने के बाद बोला एक फ्रैगमेंट है मास M2 का, तो एक M2 मास का फ्रैगमेंट है जो कि रेस्ट पर है, तो दूसरे फ्रैगमेंट का मास कितना होगा? M1 माइनस M2 होगा, है ना? अच्छा, ये पहला M1 रेस्ट पर नहीं था, ये स्पीड V से मूव कर रहा था। तो इसकी स्पीड, लेट से इसकी स्पीड V2 कितनी है ये हमें बताना है। V2 कैलकुलेट करके बताना है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन जो है खुद से हुआ है, कहीं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे एम वन वी इज इक्वल टू, यहाँ पे एम टू का तो कोई मोमेंटम है नहीं, मोमेंटम जो भी है इसी का है, तो एम वन माइनस एम टू इंटू वी टू, विच मीन्स वी टू इज इक्वल टू एम वन वी अपॉन एम वन माइनस एम टू। ये सबको क्लियर है? यस। इजी क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन में मुझे बता दीजिएगा, डाउट होगा तो सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? किसी को भी डाउट हो बता दीजिए, जितने भी डाउट पूछेंगे बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर टू में। यस। अ मंकी ऑफ मास 20 केजी राइड्स ऑन अ 40 केजी ट्रॉली मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ द मंकी जंप्स वर्टिकली टू ग्रैब द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर मंकी हैज जंप्ड ऑफ इज, बेटा वो चेंज नहीं होगा, वो 8 मीटर पर सेकेंड का 8 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। क्यों बोला है? मंकी जंप्स वर्टिकली, इसका मतलब समझिए, मंकी अपने से वर्टिकली जंप किया है। क्या हो रहा है? एक ट्रॉली के अंदर बैठ के मंकी जा रहा था, ट्रॉली के अंदर बैठ के मंकी जा रहा था, ये रहा आपका ट्रॉली, ये एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मंकी इसके अंदर बैठा हुआ है। वो मंकी बनाना मुझे आता नहीं है, लिफ्ट से ऐसे बना देते मंकी को, यार एक पूंछ बना देते और क्या, ठीक है, जितना मंकी है। ये मंकी ट्रॉली के साथ जा रहा था, वेलोसिटी लेट से यू से, यू दे रखा है आपको 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मास दे रखा है ट्रॉली का 40 केजी, मंकी का मास दे रखा है 20 केजी। बोला है मंकी जंप करता है वर्टिकली, अगर मंकी वर्टिकली जंप करता है लेट से वेलोसिटी वी से, तो मंकी की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, मंकी के जंप करने की वजह से ऊपर वेलोसिटी वी आई है, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ने फोर्स नहीं लगाया, इसकी नेट वेलोसिटी ऊपर की तरफ वी और आगे की तरफ यू दोनों रहेगी, इस तरीके से इसकी नेट वेलोसिटी आएगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ऐसी टेढ़ी होगी, समझ में आई बात? मंकी वर्टिकली जंप करेगा मतलब अपनी ताकत उसने वर्टिकल जंप करने के लिए लगाई है, ट्रॉली को उसने नीचे पुश किया, ट्रॉली पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया, इसलिए ट्रॉली का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वैसे भी कह सकते हो कि जंप करने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी यू यू ही रह गई, है ना? तो क्या होगा? पहले कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू था मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू यू प्लस कैपिटल एम इंटू वी निकालना है, तो ऑब्वियसली वी कितना आ जाएगा? यू के बराबर ही आएगा ना, तो ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, समझ में आई बात? क्योंकि वर्टिकली जंप किया। नेक्स्ट, और न्यूक्लियस ऑफ, हो गया क्वेश्चन, ये कराना इसको, देखो भैया न्यूक्लियस का मास नंबर है ए, तो ये रहा अपना न्यूक्लियस, इसका मास कितना हो गया? ए एम यू हुआ, एक एम यू को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका मास हो गया ए एम।
फिर क्या हुआ, इस न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है किसी को मालूम है? फोर अल्फा का पार्टिकल का मास होता है 4। तो 4 एमयू है, 1 एमयू को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 4 एम। इसका कितना मास बचेगा? ए माइनस 4 टाइम्स एम, ये बचेगा ना, है ना। यस अब बोला है कि अल्फा पार्टिकल निकलता है स्पीड वी से, ठीक है। तो इसकी स्पीड, इस न्यूक्लियस की स्पीड कितनी होगी? लेट से इसकी स्पीड पीछे की तरफ वी डैश हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो स्पीड वी लिखा है ना, ये स्पीड वी आपका पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, सॉरी अल्फा पार्टिकल का स्पीड है, लेकिन ये न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये भी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये स्पीड भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल मोमेंटम जीरो, इसके फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा। मतलब कि जीरो इज इक्वल टू ए माइनस 4 टाइम्स माइनस वी डैश प्लस 4 टाइम्स वी। स्मॉल एम ऑलरेडी कैंसिल कर दिया मैंने, तो आ जाएगा वी डैश इज इक्वल टू 4 वी अपॉन ए माइनस 4। समझ में आई बात? यस हाँ, अगर ये स्पीड v जो है ये न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में दे रखी होती, तो आपका आंसर आप सॉल्व करने के बाद आता 4v अपॉन a। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। अगर ये स्पीड v ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं होती, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में होती, तो आंसर 4v बाय a होता। ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है, बाद में कर लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलास्टिक बॉल ऑफ मास स्मॉल एम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच ऑन एन एल्यूमिनियम डिस्क ऑफ एरिया ए फ्लोटिंग इन मर्करी पूल। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द डिस्क इज। इसका क्या मतलब है? इलास्टिक बॉल है, मर्करी पूल से क्या लेना देना है इसका? बट आंसर ये दे रखा है क्या? यस क्या है इसमें बोल रहा है कि क्योंकि मरकरी पूल में ही फ्लोट कर रहा है, ठीक है, कोलिजन के बाद ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मरकरी क्या है, काफी हेवी सा है, बहुत हेवी लिक्विड है और उसमें विस्कोसिटी भी हाई है। तो क्या होगा, अगर इस पे बॉल आके गिरती है तो डिस्क को मूव करा नहीं पाएगी, डिस्क रेस्ट पे ही रह जाएगा। मतलब दैट्स लाइक अ रिजिड सरफेस, ठीक है। तो बॉल एम मास की ऊपर से नीचे आई, टकराई कितनी स्पीड से? वी से टकराती है, तो वी कितना हो जाएगा? लेट से अंडर रूट ऑफ 2gh होगा कि नहीं होगा? यस टकरा के वापस ऊपर चली गई सेम स्पीड वी से, क्यों? क्योंकि ये डिस्क तो मूव करेगा नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल कितना हुआ? अगर मैं ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस ले लूँ, तो ये हो जाएगा एम वी माइनस माइनस एम वी, दैट इज इक्वल टू 2 mv। दिस इंप्लाइज मोमेंटम ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू डिस्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2 mv, क्योंकि जितना मोमेंट, टोटल मोमेंटम तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो इस पे बेसिकली 2 mv मतलब 2m√2gh मोमेंटम ही ट्रांसफर करेगा वो। समझ में आई बात? कोई भी बॉल अगर हवा से, छत से ग्राउंड पे टकराएगा, तो ग्राउंड को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? वो इतना ही ट्रांसफर करता है, ठीक है, 2m टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 2 टाइम्स √2gh, राइट। जितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा फ्लोर बॉल को, उतना ही बॉल फ्लोर को भी ट्रांसफर करेगा।
करेगा। ये बात और है कि फ्लोर का मास बहुत ज़्यादा है, ये बात और है कि इस केस में ये मरकरी पूल एंड डिस्क का जो सिस्टम है ये रिजिड है, इसलिए इसका मास इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, इसलिए इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ बोट विच इज फ्री टू मूव ऑन वाटर। ओके, इफ द मासेज ऑफ द बॉय एंड द बोट आर, बट ये क्वेश्चन सारे सेंटर ऑफ मास के हैं। If the masses of the buoy and boat are m1 and m2 respectively, and the buoy moves a distance of 1 meter forward, then the movement of boat is क्या होगा भैया? हमें पता है कि जो सिचुएशन क्या है, बोट है, बोट के ऊपर लड़का खड़ा है, बहुत ही अजीब सा लड़का बना, मुझसे कोई बात नहीं। इसका मास आपको M1 दे रखा है, बोट का मास M2 दे रखा है, बोट ऑब्वियसली रिवर में है या लेक में है। ये आगे बढ़ता है 1 मीटर से, तो बोट पीछे कितना जाएगी? 1 मीटर, हाँ। तो अब यार इसमें ना थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर नहीं किया कि इस लड़के का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि बोट के रिस्पेक्ट में है। एंड द बॉय मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फॉरवर्ड, मैं मानूंगा बोट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब उसके जो भी आंसर आएगा ठीक है। तो हमें मालूम है कि डेल्टा एक्स सी एम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं। दिस इंप्लाइज M1 इंटू 1। अच्छा, अब देखो, मान लेते हैं ये लड़का जब 1 मीटर आगे गया तो बोट खिसक जाती है पीछे एक्स से, तो M1 का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? उधर की तरफ हुआ, 1 माइनस एक्स। और M2 का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर की तरफ एक्स, राइट? हाँ, या ना? बोलो भाई। लड़का बोट के रिस्पेक्ट में 1 मीटर गया और बोट पीछे आ गई एक्स से, तो लड़के का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 माइनस एक्स। 1 आगे, बोट पीछे आ गई एक्स, और बोट का डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ एक्स हुआ। तो मैं इस केस में आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस एक के स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू जीरो, मतलब M1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस M2 इंटू माइनस एक्स अपॉन जो भी था M1 प्लस M2, दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज सिंपली एक्स इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है? यस, यही दे रखा ना आंसर? अगर ये आंसर दे रखा तो मेरा अजम्पशन करेक्ट है कि 1 मीटर विद रिस्पेक्ट टू बोट मूव किया है। अगर ये आंसर नहीं दे रखा है, आंसर दे रखा ये वाला, तो मतलब 1 मीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उतने अच्छे से क्लियर नहीं किया, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m मूव्स विद वेलोसिटी v1 स्ट्राइक्स अ सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m एज शोन इन द फिगर एंड स्टिक्स टू इट। ओके, इफ द ब्लॉक राइजेस टू अ हाइट y, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज। देखो भाई, ये v1 वेलोसिटी से बुलेट आके इस ब्लॉक से टकराई और ब्लॉक के अंदर घुस गई, ब्लॉक से चिपक गई। तो मान लेते हैं कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक है। अब v2 जो है वो क्या, वो कितने लायक है? वो इस ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम को y हाइट से उठाने के लायक है, राइट? तो आफ्टर कोलिजन के बारे में पहले सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद अब तो कोई एनर्जी का लॉस होगा नहीं, कोलिजन हो चुका है, उसके बाद तो कोई एनर्जी का लॉस होगा नहीं। तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू v2 स्क्वायर, दिस हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m gh। दिस इंप्लाइज v2 आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 2gh। ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मैंने जबरदस्ती कैलकुलेशन करके दिखाया, राइट? है ना? यस। नाउ अब हम बोलेंगे कि बिफोर कोलिजन क्या था,
स्मॉल एम जा रहा था वेलोसिटी वी वन से कैपिटल एम रेस्ट पे, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या था, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जा रहा था वेलोसिटी वी टू से, राइट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, एम वी वन इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी टू, दिस इंप्लाइज वी वन इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम टाइम्स वी टू, और वी टू कितना है, रूट टू जी एच, तो कैपिटल एम प्लस, अच्छा एच की जगह वाई है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम रूट टू जी वाई, ऑप्शन आगरा। समझ में आई बात? यस सर, सबको क्लियर है? नेक्स्ट, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम स्ट्राइक्स अ पेंडुलम ऑफ बॉब, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास कैपिटल एम विद वेलोसिटी यू, ठीक है, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम स्ट्राइक्स अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास कैपिटल एम विद वेलोसिटी यू, ठीक है भैया, इट पासिस थ्रू एंड इमर्जेस आउट विद वेलोसिटी यू बाय टू फ्रॉम द बॉब, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल, वॉट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू इफ पेंडुलम बॉब विल स्विंग थ्रू अ कंप्लीट सर्कल। देखो भैया, देखो क्या है कि अपने पास छत्ते से एक पेंडुलम बॉब लटक रहा है, ठीक है, जिसका मास आपको दे रखा है कैपिटल एम, छत से नहीं लटका है क्योंकि छत से लटकेगा तो कंप्लीट सर्कल हो नहीं पाएगा, काम करते हैं एक खूंटे से टांग देते हैं इसको, ठीक है, इसके पास एक बुलेट आया जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी यू से, इसका मास स्मॉल एम है, ये पेंडुलम के आर पार निकल जाता है और बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है यू बाय टू, तो लेट से इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी, तो क्या मैं लिख सकता हूं एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम यू बाय टू, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इंप्लाइज वी इज इक्वल टू स्मॉल एम यू बाय टू कैपिटल एम, राइट। आपको बोल रखा है कि ये लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो एल है, तो बताना है कि ये यू मिनिमम कितना हो जिससे कि कंप्लीट सर्कल ये लगा पाए, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव जी एल, तभी ना कंप्लीट सर्कल होगा, कंप्लीट सर्कल के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितने वेलोसिटी चाहिए, रूट फाइव जी एल, दिस इंप्लाइज यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम टाइम्स रूट फाइव जी एल, तो टू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू रूट फाइव जी एल, टू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू रूट फाइव जी एल, ऑप्शन आगरा। समझ में आई बात? यस सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कैप्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय अ प्रोटॉन, भैया कैप्चर हो गया मतलब चिपक गया ना दोनों, तो ये क्या है, कंप्लीटली इनलास्टिक है, ये परफेक्टली इनलास्टिक है, हमें कौन सा परफेक्टली इनलास्टिक नहीं है ये बताना है। मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग कार्ट, जैसे ही मैन जंप करके कार्ट के अंदर गया, फाइनल वेलोसिटी कार्ट की और मैन की बराबर हो गई, इसलिए ये भी परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स नहीं, कोलिजन जब ग्लास बॉल्स आपस में टकराते हैं तो वो चिपकते नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, डी देखते हैं। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड सच दैट इट्स एम्बेडेड इन द वुड, ये भी इन इलास्टिक कोलिजन है, सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो कि इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है। समझ में आई बात? सर आंसर इसका बी था, दिया सेकंड वाला ऑप्शन था। यस सर, सेकंड गलत है, आंसर सी होगा, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट करवाना होगा, लेकिन आप आपके देखो मैं आंसर तो करेक्ट करवा लूंगा लेकिन आपका मार्क्स चेंज नहीं होता उस हिसाब से, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन द कोलिजन इज सेट टू बी, क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक तो नहीं बोलते यार, परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है, नन ऑफ दीज ही करेक्ट बोलना पड़ेगा, है ना, क्या दे रखा है आंसर,
इट लास्टेड। यार ये थोड़ा ना इसने कॉमन कल्चर बदल दिया। एक्चुअली होता क्या है, जब E इज इक्वल टू वन होता है तो उसको इलास्टिक कहते हैं। E अगर वन से छोटा हो और जीरो से बड़ा हो तो इसको इन इलास्टिक कहते हैं, और अगर E जीरो हो जाए तो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। समझ में आई बात? तो जब स्टिक टुगेदर है तो उसको इन इलास्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि इन इलास्टिक इसका नाम है। समझ में आई बात? इसका आंसर डी होगा। आपने क्या टिक किया था? इन इलास्टिक। ये लगाया था बाकी लोगों ने? देखो बात समझो, अगर ये ऑप्शन डी नहीं होता, यहाँ पे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं होता, तो हमको तो हम ए मार्क करते, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वही होता उस केस में। बट यहां पर हमारे पास एक और उससे बेटर ऑप्शन है, नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट, इसलिए हम उसी पर टिक करेंगे। ठीक है बेटा? इवन इफ अगर आंसर इनलास्टिक दे भी रखा है तो सही नहीं दे रहा है, चिंता ना करो, इस तरीके की गलतियां नहीं होती एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, है ये एक्स्ट्रा हो गया, इलास्टिकली देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अलोन इज कंजर्व्ड, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, नीदर एनर्जी नॉर मोमेंटम आर। देखो भैया, अगर इलास्टिकली हुआ तो दोनों कंजर्व होंगे ना, उसी को तो कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, राइट? इलेवन, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इज, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? जीरो होता है। अगेन यहां पर सही नॉमेनक्लेचर यूज किया इसने, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन यूज किया, राइट? वहां पे गड़बड़ कर दिया उस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ने में आ रहा है यहां से? बहुत छोटा लिखा हो मेरे ख्याल से। पढ़ पा रहे हो सब लोग? यस ओके। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 m/s टुवर्ड्स लेफ्ट कोलाइड्स हेड ऑन विद अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 m/s। ओके, दो दो के जी 3 से मूव करा था, 3 kg 2 से मूव करा था, नेट मोमेंटम जीरो है। आफ्टर कोलिजन द टू बॉडी स्टिक टू टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी विच इज जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, राइट? है ना, 2 × 3 − 3 × 2 कितना हुआ? जीरो ही हुआ ना इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा, दोनों चिपक जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात? यस आगे बढ़ रहे हैं। पूरा कोलिजन डाल दिया इसमें वर्क और एनर्जी के नाम पे। अ पार्टिकल ऑफ मास M1 हिट्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास, लेकिन आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आपका दोनों चैप्टर कंप्लीट है, राइट? ये दिक्कत हुई? सर। पार्टिकल ऑफ, चलो ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास M1 हिट्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास M2 एट रेस्ट विद वेलोसिटी u वेक्टर, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी, ये आपका एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब, अच्छा मैंने आपको बताया था आपके जितने भी टेस्ट होंगे वो एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से होंगे, राइट? और एनसीईआरटी में कोलिजन किस में है? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। ओके, कोई दिक्कत? दोस्त सर पता नहीं था। पता नहीं था ना, लेकिन आगे ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अ पार्टिकल ऑफ मास M1 हिट्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास M2 एट रेस्ट विद अ वेलोसिटी u वेक्टर, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। इफ M1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू M2 देन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ M2 विल बी, पार्टिकल ऑफ मास M1 हिट्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास M2 एट रेस्ट विद वेलोसिटी u वेक्टर। देखो भैया, M1 मास का ये पार्टिकल है जो कि M2 मास के पार्टिकल से टकराता है, हेड ऑन टकराता है, वेलोसिटी u वेक्टर से टकराता है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक है, और बोल रहा है कि ये जो M1 है ये M2 से बहुत बड़ा है। देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ M2 विल बी, देखो भैया, अगर कोलिजन M2 बहुत, अगर M2 के मुकाबले M1 बहुत बड़ा है
तो m2 m1 की वेलोसिटी चेंज कर नहीं पाएगा, दिस इज योर बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 जो बहुत बड़ा है उसकी वेलोसिटी तो u वेक्टर ही रह जाएगी, उसकी वेलोसिटी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो m2 है इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्चुअली u वेक्टर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उस वो थोड़ा सा फर्क हम निकाल नहीं पा रहे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v माइनस u इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी अप्रोच मतलब u माइनस जीरो। दिस इम्प्लाइज v तो वन है तो v इज इक्वल टू 2u। समझ में आई बात, अरे कोलिजन विद वॉल कराया था ना, मूविंग वॉल, वही वाला तो क्वेश्चन है। टॉपिक पढ़ा था अपन ने कोलिजन विथ मूविंग वॉल, मूविंग वॉल याद है? यस सर। चलो आगे बढ़ते, टू सॉलिड बॉल्स ऑफ रबर ए एंड बी हुज मासेज आर 200 ग्राम। टू सॉलिड बॉल्स ऑफ रबर, दोनों बॉल्स रबर की हैं, ए का मास है इतना, बी का मास है इतना, आर मूविंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, ओके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, इफ ए की वेलोसिटी अगर 0.3 मीटर पर सेकेंड है एंड बोथ द बॉल्स कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी इज क्या होगा भैया, दोनों बॉल कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ जाते हैं, मतलब दोनों चिपक गए हैं, मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 200 ग्राम × 0.3 + 400 ग्राम × v = 0। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू आ गया −0.15 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस नहीं दे रखा होता तो 0.15 पे लगा देते, लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों ऑप्शन दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे, −0.15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट, टू सिमिलर बॉल्स पी एंड क्यू, सिमिलर बॉल्स दोनों का मास बराबर है, हैविंग वेलोसिटी इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, कोलाइड इलास्टिकली, द वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर कोलिजन विल बी रेस्पेक्टिवली। देखो भैया क्या हुआ, दोनों का मास इक्वल है, इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी −0.3, 0.5, है ना? Yes. टू इलास्टिक बॉडीज पी एंड क्यू हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, देयर वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विल बी। एक्सचेंज हो जाएगी ना वेलोसिटी, और क्या करना, पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, और एकदम लल्लू वाले है ना, इक्वल मास का है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक बॉडीज दे रखा है, इक्वल मास दे रखा है, क्या होगा कोलिजन के बाद सेम लाइन के लोग में जा रहे हैं, मतलब हेड ऑन कोलिजन भी है, मतलब क्या होगा कोलिजन के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड वेन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, अगर दो मासेज m1 और m2 इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं तो क्या होगा, वेन m1 इज इक्वल टू m2 एंड m2 इज स्टेशनरी देयर इज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन कोलिजन। आगे देखते हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 एंड m2 इज स्टेशनरी देयर इज मैक्सिमम ट्रांसफर मोमेंटम इन हेड ऑन कोलिजन, इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 एंड m2 इज स्टेशनरी आफ्टर हेड ऑन कोलिजन m2 मूव्स एट ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ m1, बिल्कुल सही बात है, व्हेन द कोलिजन इज ऑब्लिक एंड m1 इज इक्वल टू m2 विद m2 स्टेशनरी आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल गलत बात है। तो देखो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अगर दोनों मासेस इक्वल हैं और m2 रेस्ट पर है
ऑब्लिक कोलिजन के केस में क्या होता है, ये आपका एलओसी बनेगा। तो यहां पे ऐसा एलओसी बना देते हैं, एम टू एलओसी के लॉन्ग भाग जाएगा और एम वन एलओसी के परपेंडिकुलर भागेगा। समझ में आई बात? यही होता है ना, याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाँ, अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर एम वन और एम टू इक्वल एंड एम टू स्टेशनरी है, देर इज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन कोलिजन। ठीक है। हाँ भैया, अगर देखो ये जा रहा है वेलोसिटी यू से और एम टू रेस्ट पर है, तो क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी ना यहाँ पे। लेकिन अगर इस ये रेस्ट पे नहीं होता तो पूरी एनर्जी नहीं जाती, कुछ एनर्जी इसके पास बच जाती है, राइट? आया ना? इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं है, आंसर करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड, एम वन इज इक्वल टू एम टू एंड एम टू स्टेशनरी, देर इज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इन हेड ऑन कोलिजन। एकदम सही बात है, मोमेंटम का भी मैक्सिमम ट्रांसफर उसी केस में होगा क्या? नहीं। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं बोला, क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा था मैं, क्वेश्चन गलत, मैं ऑप्शन गलत पढ़ समझ लिया। क्या बोल रहा है कि अगर एम वन और एम टू बराबर, एम वन और एम टू बराबर है, एम टू स्टेशनरी है, देन मैक्सिमम ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस इन हेड ऑन कोलिजन। बोल रहा है कि हेड ऑन कोलिजन के केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ऑब्लिक के केस में नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑब्लिक के केस में क्या होगा, ऑब्लिक के केस में एम वन के पास कुछ मोमेंटम बच जाएगा, एम टू के पास थोड़ा कम मोमेंटम जाएगा, सिर्फ मोमेंटम का एक कंपोनेंट ही जाएगा, राइट? जो एलओसी के लॉन्ग कंपोनेंट है वही जाएगा ना मोमेंटम का, है ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगी, मतलब बी का स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं है। ए में बोला ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ भैया, अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तो एम वन रेस्ट पे आ जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन के केस में एम वन के पास कुछ वेलोसिटी बची रह जाएगी, तो इसलिए ऑब्लिक कोलिजन के केस में एनर्जी कम ट्रांसफर होगी, इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है ना, डू नॉट होल्ड ट्रू बताना है, राइट? व्हेन एम वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम टू एंड एम टू स्टेशनरी आफ्टर हेड ऑन कोलिजन, एम टू मूव्स इट ट्वाइस द वेलोसिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था, ये भी एकदम करेक्ट आया था। तो सिर्फ ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, मतलब डी इज ट्रू नहीं है, इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर ए बी एंड सी आर आइडेंटिकल बॉल्स। अरे यार, हो जाएगा ये, ए रेस्ट पे, बी रेस्ट पे, सी वेलोसिटी वी से चला चला जाएगा, है ना? यस। 19, अ मूविंग स्फीयर ऑफ मास एम सफर्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, नॉट हेड ऑन, ओके, विद एन इक्वली मैसिव स्टेशनरी स्फीयर, आफ्टर कोलिजन बोथ फ्लाई एट एंगल थीटा 90 डिग्री पे, है ना? एक एलओसी के लॉन्ग जाएगा, दूसरा एलओसी के परपेंडिकुलर जाएगा, राइट? एलओसी मतलब लाइन ऑफ कोलिजन, है ना? फटाफट बोलो। यस सर। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया अपन ने, इस क्वेश्चन में एक एलओसी के लॉन्ग गया, दूसरा एलओसी के, मतलब पहला वाला एलओसी के परपेंडिकुलर गया, जो रेस्ट पे था एलओसी के लॉन्ग जाएगा, है ना? क्योंकि एलओसी के लॉन्ग अपना पूरा मोमेंटम वो एम टू को ट्रांसफर कर देगा, एलओसी के परपेंडिकुलर वाला मोमेंटम एम वन अपने पास बचा लेगा। ठीक है, 20, अ बॉडी ऑफ मास एम के जी कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है भैया, सारे क्वेश्चन एक ही चीज पे डाल दिए हैं। एंड देन कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज द मास ऑफ द टारगेट बॉडी? अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है, एम मास का है, दूसरे का मास पता नहीं, कैपिटल एम निकालना है लेट से। ये जाता है वेलोसिटी
यू से लेट से, और बोला है कोलिजन के बाद इसी डायरेक्शन में जर्नी कंटिन्यू करता है, मतलब कि जो भी फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में लगा है ना? आया ना? बताओ भैया, जो मैंने बोला इसको, ये इस क्वेश्चन का की है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का के पास कोई भी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आई, इसका मतलब जो भी फोर्स लगा है इनिशियल लाइन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग ही लगा है इसके ऊपर, है ना? बोलो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ इसलिए कोलिजन कैसा है, कोलिजन है हेड ऑन, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एलओसी के अलोंग ही है इसलिए फोर्स इसी के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग लगा, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग रही। अब कैपिटल एम जो था इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, लेट से इसकी वेलोसिटी हो गई वी। कहा है क्या, कहा है कि कोलिजन इलास्टिक है तो ये वी कितना होगा ये हमें बताना है। हम बोलेंगे भैया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वी माइनस यू बाई टू, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू, दिस इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू 3u/2। इससे क्या फायदा हुआ, अब हम बोलेंगे पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, मतलब कि कैपिटल एम इंटू 3u/2 प्लस स्मॉल एम इंटू यू बाई टू इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू यू, दिस इंप्लाइज कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? यस सर। अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी बी इज फायर्ड इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास सी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, क्या हो जाएगा भैया, इनिशियल मोमेंटम ए बी अपॉन टोटल मास ए प्लस सी, राइट? है ना? नेक्स्ट, अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट कैपिटल एच अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स, ओके, इफ ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज। आहा, देखो भैया क्या हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, वैसे याद है आप लोगों को कि भूल गए? हो सकता है आपको नहीं करवाया हो, अभी जो रिपीटर्स बैच उसको कराया हो मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने करवाया। एक पार्टिकल है जो कि हाइट कैपिटल एच से गिरा, तो आप मुझे बताइए यहाँ से रिबाउंड होके कितनी हाइट तक जाएगा? कितनी हाइट तक जाएगा ये तो बताया होगा ना मैंने, अब ये मत बोलो कि ये भी याद नहीं है। देखो भैया यहां से गिरा कैपिटल हाइट से तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड से, √2gh वेलोसिटी से टकराएगा, हाँ या ना? यस। तो रिबाउंड कितनी वेलोसिटी से करेगा, e टाइम्स √2gh, राइट? बोलो भैया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी √2gh, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा ई टाइम्स √2gh, ठीक है। तो ये जो हाइट आई एच वन वो कितनी हो गई, मतलब एक बाउंस के बाद जो हाइट जा रहा है वो कितना हो गया, एच वन इज इक्वल टू u²/2g, मतलब ई टाइम्स √2g कैपिटल एच का होल स्क्वायर बाय 2g, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल एच। समझ में आई बात, आया ना? यस। एच टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एच वन हो जाएगा,
है ना, यस एस टू हो जाएगा ई स्क्वायर एच वन। तो क्या नाम है, दैट इज इक्वल टू ई टू पावर 4 एच। सिमिलरली ऐसे ही एन एनथ बाउंस के बाद कितने हेड तक जाएगा, ई टू पावर 2n इंटू एच तक। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं यस आया? ओके, तो आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कितना है, एच नीचे प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर एच 2 टाइम्स ई स्क्वायर कैपिटल एच, फिर 2 टाइम्स ई टू पावर 4 कैपिटल एच प्लस 2 टाइम्स ई टू पावर 6 कैपिटल एच एंड सो ऑन, यही होगा ना? यस सर समझ में आ रही बात? अब देखो इसको सॉल्व करने के दो सर तरीके हैं। कुछ गधे लोग तो यहीं पे छोड़ देंगे, जो थोड़े कम गधे होंगे वो बोलेंगे सर ये जीपी है उसमें कैपिटल एच जोड़ दो, तो पहले जीपी का सम निकालेंगे उसमें कैपिटल एच जोड़ेंगे, थोड़ी मेहनत हो जाएगी। और कुछ मेरे जैसे समझदार होंगे जो बोलेंगे अच्छा सर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू पावर 4 एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ कैसे आया मैं? यस सर इस 2 को दो टुकड़े कर दो, एच प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ये जो 2 ई स्क्वायर एच लिखा हुआ ना इसको अलग अलग करो, ऐसे लिखा मैंने एच प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई टू पावर 4 एच प्लस ई टू पावर 4 एच प्लस ई टू पावर 6 एच। समझ में आई बात? यस सर सो इसमें ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका आर, राइट? तो टोटल पाथ लेंथ एल इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर होता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है, दैट इज इक्वल टू एच इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस कॉपी कर लो। आगे बढ़े, यस नेक्स्ट। अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 80 ग्राम एट रेस्ट। ठीक है भैया, द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज। देखो भैया ऐसा है, पहले था 20 ग्राम मोमेंटम था पी, बाद में दोनों चिपक गए तो हो गया 100 ग्राम, मोमेंटम तो चेंज हुआ नहीं पी रह गया, है ना? हाँ है ना? कोलिजन से मोमेंटम तो चेंज होता नहीं है। समझ में आई बात? बोलो ना। अब क्या होगा, K1 बाय K2 अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा P² बाय 2 m1 अपॉन P² बाय 2 m2, दैट इज इक्वल टू m2 बाय m1, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 1। तो आंसर हो गया 5:1। समझ में आया? हाँ या ना? यस क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक सर क्लियर है क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ, दोनों चिपक गए तो इफेक्टिवली एक ही मास बचा ना, तो
पहले मास 20 ग्राम था, बाद में मास 100 ग्राम हो गया, मोमेंटम सेम रहा, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो मेहनत करके भी निकाला जा ही सकता है। क्वेश्चन तो आसान ही है, डिफिकल्ट तो है नहीं। अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास 30 ग्राम एट रेस्ट, देन द परसेंटेज लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन इज। एक बॉडी है 50 ग्राम की जो कि इलास्टिकली कोलाइड कर रही है एक और बॉडी से जिसका मास 30 ग्राम है, देन द परसेंटेज लॉस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन। वेलोसिटी में लॉस निकालना है। ओके भैया, ये 50 ग्राम की बॉडी है, आगे 30 ग्राम की बॉडी है, मेरे को ये सब पसंद नहीं, मैंने इसको 3m बोल दिया, इसको 5m बोल दिया, समझ में आई बात। ये जाता है लेट्स से वेलोसिटी u से, इससे क्या हो जाता है, ये जो 5m मास की वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी रहती है v1 और 3m की वेलोसिटी रहती है v2। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 5mu इज इक्वल टू 5m v1 प्लस 3m v2। मोमेंटम की इक्वेशन मतलब कि 5u इज इक्वल टू 5v1 प्लस 3v2, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u। ठीक है, और लिख सकते हैं e तो 1 है, विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू v2 माइनस v1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं इंटरेस्टेड हूँ किसमें, मैं इंटरेस्टेड हूँ v1 में, क्योंकि मेरे को सिर्फ 5m के का जो मास है इसकी वेलोसिटी में कितना फ़र्क है ये निकालना है। तो मतलब मैं क्या नहीं निकालना चाहता हूँ, v2 नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं v2 को एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं 1 में से 3 टाइम्स 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा v2 एलिमिनेट हो जाएगा। सो 5u माइनस 3u इज इक्वल टू, v2 तो कैंसिल ही हो गया, 5v1 माइनस माइनस 3v1 विच इम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू 2u बाय 8, दिस इज इक्वल टू u बाय 4, मतलब 1/4 बचा, मतलब 3/4 का लॉस हो गया, 75% का लॉस हो गया, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। हालांकि ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए कि परसेंटेज लॉस इन वेलोसिटी, मैंने आज जीवन में पहली बार पढ़ा है इसको, इस वर्ड को। क्यों, वेलोसिटी कभी कोई वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी से ज़्यादा या कम नहीं होती, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आई बात। तो परसेंटेज लॉस का मतलब आप क्या कह रहे हो कि वेलोसिटी कम हो गई, ये तो गलत बात है ना। आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x1 टू x2 विल बी। देखो भैया, आपका फोर्स है के एक्स स्क्वायर, ये 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस लग रहा है, सो एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस 60 डिग्री इज 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी डब्ल्यू का हमारे पास इफेक्ट आ चुका, एक्सप्रेशन आ चुका है 1/2 के एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे, जब एक्स वन पे था उस वक्त वर्क कुछ भी नहीं हुआ था, एक्स टू पर वर्क कितना हुआ है ये निकालना है, तो वर्क बन आ जाएगा 1/2 के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1/4। अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, एक्स टू क्यूब माइनस एक्स वन क्यूब बाय 3, दैट इज इक्वल टू 1/6 के एक्स टू क्यूब माइनस एक्स वन क्यूब, समझ में आई बात।
नेक्स्ट 26. फॉर द पाथ पी क्यू आर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू एंड क्यू टू आर आर. पी से क्यू में लगा है 5 जूल, क्यू से आर में लगा है 2 जूल. द वर्क डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू आर विल बी कितना होगा? पी टू आर बोल, तो आर टू पी हो जाएगा -7 जूल, तो पी टू आर हो जाएगा 7 जूल. समझ में आई बात? यस सर. क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है इसलिए क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होना चाहिए. ठीक है. 27. टू मासेस m1 इज इक्वल टू 2 kg एंड m2 इज इक्वल टू 5 kg आर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद वेलोसिटीज 10 m/s एंड 3 m/s रेस्पेक्टिवली. m2 is ahead of m1. An ideal spring or spring constant k is equal to इतना न्यूटन पर मीटर जैसा है. The maximum compression in the spring will be, देखो भैया, at maximum compression क्या होगा? खास बात क्या होती है? मैंने पढ़ाया होगा जरूरी. मैक्सिमम कंप्रेशन पे खास बात क्या होगी? v1 will be equal to v2, मतलब इनिशियल v1 v2 दे रखा मैंने, उस टाइम पे v1 और v2 मान लिया, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी. समझ में आई बात? मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी. सो हम इसको लेट्स से वी मान लेते हैं. ऑब्वियसली ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा. हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कैसे. m1v प्लस m2v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, समझ में आई बात? नाउ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस तो कहीं हो ही नहीं रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है. एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा? कोलिजन है नहीं, क्योंकि स्प्रिंग लगने से कोलिजन नहीं होता है ना. तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा आपका, कि के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन आया है वही पे काइनेटिक एनर्जी जा सकती है, और तो कहीं जाने का स्कोप ही नहीं है. सो दिस इंप्लाइज के इनिशियल कितना है? हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2v² प्लस हाफ kx² हाफ तो पूरा कैंसिल ही हो गया. दिस इंप्लाइज m1v1² m1 कितना है? 2 kg है. m2 कितना है? 5 kg है. हम v भी निकाल सकते हैं यहाँ से. v इज इक्वल टू कितना आएगा? m1v1 2 × 10 = 20 प्लस m2v2 5 × 3 = 15 अपॉन m1 प्लस m2 7, दैट इज इक्वल टू 5 m/s. ठीक है. सो हाफ m1v1, हाफ तो कैंसिल हो गया, m1v1² 2 × v1² मतलब 200 प्लस m2 × v2² 45 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 7 इंटू वी स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू हाफ, सॉरी प्लस हाफ के कितना है, के इधर है 1120 इंटू x². ये 245 हो जाएगा, ये हो जाएगा 175. 245 में से 175 जाएगा तो बचेगा 70 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 560 x². दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 1/8, which implies x is equal to 1/2√2. मेरे को लग रहा है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी. नहीं होगा क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है कहीं पे भी. 1/2√2 कितना आएगा? 0.7 का हादा 0.35 आएगा, राइट? तो k इनिशियल 20 प्लस 15 अपॉन 7, 5 एकदम सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा हाफ, अच्छा यहाँ हाफ क्यों लगा दिया? हाफ तो हर कट चुका है ना,
जाएगा 1120 एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1/16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि 0.25 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हाफ गलती से लिख दिया था, वो हाफ पहले कैंसिल करना चाहिए, उन्होंने नहीं क्या, वही गलती हुई, हाफ यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए। आगे बढ़े, यस अ सॉलिड स्फीयर इज मूविंग एंड इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ A solid sphere is moving and it makes an elastic collision with another stationary sphere of half its own radius. Okay, bhaiya. After collision, it comes to rest. The ratio of the densities of material of the second sphere and the first sphere. देखो भैया, rest पे आ गया मतलब क्या होगा? Elastic collision का rest पे आ गया मतलब दोनों का mass equal है ना? So m1 is equal to m2, मतलब कि डेंसिटी इंटू 4/3 pi रो 1 इंटू 4/3 pi आर क्यूब इज इक्वल टू रो 2 इंटू 4/3 pi आर 2 का क्यूब, दिस इम्प्लाइज रो 1 इज इक्वल टू रो 2/8 और रो 1/2 इज इक्वल टू 1/8, 1/8 ऑप्शन में नहीं तो 8, अच्छा सेकेंड स्क्वायर एंड फर्स्ट स्क्वायर पूछा तो रो 2/1 पूछा, कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, सेकेंड स्फेयर एंड फर्स्ट स्फेयर ऑर्डर उल्टा कर रखा है। ठीक है, रो 2/1 पूछा गया आपसे। आगे बढ़े, ट्वेंटी 9। अब डाउट हो तो ही पूछो यार, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर करके मैं भी बोल रहा हूं, बताओ डाउट है? यस सर। अब मास, द मास ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज 15 किलोग्राम, इट इज बींग पुल्ड अप फ्रॉम अ 15 मीटर डीप वेल, ड्यू टू अ होल इन द बकेट 6 kg वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट, द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल विल बी। देखो भाई, ठीक है, 7.5 प्लस 9 × 15 क्या है भैया? देखो बकेट है, जिसके बॉटम पे होल होने की वजह से पानी लगातार गिरता जा रहा है। हमने निकाला कितना? 15 kg पानी निकाला, इसको उठाकर ले जाने वाले थे हम लोग 15 मीटर की हाइट तक, पर हुआ क्या, रास्ते में 6 किलो पानी बह गया। हम अज्यूम कर रहे हैं दो चीज़ें, अजम्पशन है यहाँ पे, बिना अजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है कि वाटर फ्लोज एट कांस्टेंट रेट, पहला अजम्पशन। दूसरा, बकेट moves with constant speed या velocity। तो क्या होगा, यहाँ से जो पानी निकल रहा है, थोड़ा पानी यहाँ निकलेगा, थोड़ा पानी यहाँ जाके निकलेगा, थोड़ा पानी यहाँ जाके निकलेगा, थोड़ा पानी यहाँ जाके निकलेगा, पर अगर constant rate से पानी निकल रहा है और constant rate से बकेट ऊपर जा रहा है, तो average वो जो पानी 6 किलो गिर गया, वो average कितनी हाइट तक गया था? 7.5 मीटर तक गया था, है ना? कितना पानी गया 7.5 मीटर तक? 6 kg। पहला ग्राम तो यहीं गिर गया और आखिरी ग्राम यहां गिरा, तो ओवरऑल एवरेज जो पानी ड्रॉप गिरता जा रहा है, वो गिरने वाला पानी एवरेज 7.5 मीटर की हाइट तक गया था। समझ में आ रही बात? और बचा हुआ जो 9 kg है, वो पूरे 15 मीटर की हाइट तक गया है।
वर्क डन हो जाएगा 9 इंटू 15 इंटू जी प्लस 6 इंटू 7.5 इंटू जी दैट इज इक्वल टू 225 जी प्लस 45 जी दैट इज इक्वल टू 230 जी दैट इज इक्वल टू 2700 जूल। ये होता है सीधा आंसर। सर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। अरे 9 into 15 कितना होता है? 225 थोड़ा होता है, कितना होता है? 135 होता है ना। दिस इज 180 जी दैट इज इक्वल टू 1800 जूल। समझ में आई बात? सर 6 kg 7.5 meter पे क्यों दिया है? देखो भैया 6 kg मास पूरे रास्ते में गिरा है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। मैंने दो अजम्पशन लिए, वाटर कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है और बकेट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। मतलब पानी तो, जो पानी ऐसा समझ लो, लेट्स कंसीडर किसी तरीके का जादू हो, ठीक है? जादू क्या है? पानी जब बकेट से निकलता है ना, तो बस निकलता ही है, उसके बाद गिरता नहीं। समझ में आई बात? यस। तो पानी पूरे रास्ते में एक ऐसे ट्यूब बना के बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? यस। उसके बाद ग्रेविटी से गिर जाता, अलग बात है, बट बकेट तो इसको इस ट्यूब में छोड़ के गया ना। और इस ट्यूब का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है? 7.5 मीटर की हाइट पर है। तो उस ट्यूब को यहाँ कुएं के लेवल से उठाया और 7.5 मीटर की हाइट तक इसका सेंटर ऑफ मास लेके गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 7.5 मीटर। उसके बाद गिर गया वो अलग बात है, हमने वर्क तो उठाने तक के लिए किया था ना। ओके सर। तो ये आ गया आपका 1800 जूल। समझ में आई बात? नेक्स्ट बताइए, डाउट है? देखो भैया क्या बोला है, कैपिटल एम मास का डिस्क है जिसको हमने हवा में रखने के लिए नीचे से उस पर बुलेट गोले चला है। एक एक बुलेट का मास एम है, उसको बुलेट्स की स्पीड वी है। एक सेकंड में हम लोग 10 बुलेट फायर कर रहे हैं, तो बताना है कि अगर बुलेट जितनी स्पीड से टकराती है उसी स्पीड से वापस आ जाती है तो कितनी स्पीड से टकराएंगे? तो देखिए भैया डेल्टा पी कितना हो रहा है, 2 mv हो रहा है। एक एक बुलेट का मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है? mv से ऊपर जा रहा था, फिर mv से नीचे लगे तो -2 mv बुलेट का मोमेंटम में चेंज आया। तो मतलब इसने डिस्क पे कितना फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, कितना मोमेंटम डिस्क को ट्रांसफर किया ऊपर की तरफ, 2 mv है ना। लेकिन ऐसे कितने बुलेट्स हैं? 10 बुलेट्स हैं, एन बोल दिया उसको मैंने पर सेकेंड, यही तो होता है फोर्स। समझ में आई बात? दैट इज इक्वल टू 2 × 0.05 × 10 न्यूटन दैट इज इक्वल टू, अच्छा 10 V न्यूटन, V बच गया था, दैट इज इक्वल टू सिंपली 1 V न्यूटन। Now this 1 V has to be equal to इसका मास कैपिटल एम जी, this implies V is equal to कैपिटल एम जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम कितना है 1 × g कितना है 9.8,
सो दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड। समझ में आई बात? Yes. मैंने को बस इतना पता था, मैंने सारी यूनिट्स एसआई में ले रहा हूँ तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं यूनिट्स को लेके, कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर अपने आप ही मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है ना बेटा? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ रहा हूँ फिर। 31, when the bob of a simple pendulum swings, the work done by tension in the string is zero q, क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, है ना? Yes, yes. The work done by a particle moving with velocity इतना c, where c is the velocity of light, in empty space, free of electromagnetic radiation and far away from all matter is zero. तो किसी के ऊपर फोर्स ही नहीं लगाया तो क्या हुआ, है ना? आगे बढ़े। यस। अ क्वार्टर हॉर्स पावर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम, अज्यूमिंग 40% एफिशिएंसी, द वर्क डन बाय द मोटर इन वन रोटेशन विल बी, ठीक है बात है। अच्छा, क्वार्टर हॉर्स पावर मतलब 1/4 हॉर्स पावर का मोटर है, ठीक है ना? अब एक 1 HP कितना होता है? 746। हेलो, 746 वॉट। क्या 746 होता है ना, तो 746 बाय 4 वॉट, दैट इज इक्वल टू 720 होता तो 180 हो जाता, उसमें 26 और जोड़ दो तो 186.25, इतने वॉट का आपका मोटर है, ठीक है? मतलब ये इसका इनपुट है, समझ में आई बात? सो देयरफॉर इनपुट एनर्जी इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 186.25 इंटू 60 जूल्स, वॉट इंटू सेकंड इज जूल, है ना? ये इनपुट एनर्जी है, इसका मतलब कि आउटपुट एनर्जी कितनी हो जाएगी? 60% एफिशिएंसी है, सॉरी 40% एफिशिएंसी, आउटपुट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 186.25 इंटू 60 जूल, और इतनी एनर्जी से कितने रोटेशन हुए? 600 रोटेशन हुए, क्योंकि 600 रोटेशन होते हैं 1 मिनट में, रोटेशन आरपीएम है ना, रोटेशन पर मिनट। दिस इंप्लाइज आउटपुट एनर्जी पर रोटेशन इज इक्वल टू 0.4 इंटू 186.25 इंटू 60 अपॉन 600, तो 60 से 600 गया, 10 बचा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 186.25 इंटू 10 to power -2। 186.25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? फिर से 746 आ जाएगा, 746 इंटू 10 to power -2, दैट इज इक्वल टू 7.46 जूल, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बता दो। आगे बढ़ रहा हूं फिर। 34, द पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स p फॉर टाइम t, ये p फोर्स है, मोमेंटम नहीं। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल विल बी, देखो भैया मोमेंटम इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, तो पी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। समझ में आई बात?
35. A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with 1/4 of its original speed. ठीक है, द मास ऑफ द सेकंड बॉडी विच कोलाइड्स विद द फर्स्ट बॉडी. बेटा ये वही ऐसे क्वेश्चन आज बहुत किए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है. 2 kg का मास है, इनफैक्ट एकदम सिमिलर क्वेश्चन हमने आज किया है. इसका मास m है, ये जा रहा है वेलोसिटी u से, बाद में हो जाती है इसकी वेलोसिटी u बाय 4. ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो भी होती है, इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच कितना है u है, यहाँ वेलोसिटी सेपरेशन u रहेगा, मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u बाय 4 प्लस e टाइम्स वेलोसिटी अप्रोच, दैट इज u, दैट इज इक्वल टू 5u बाय 4. इसका मास 2 kg है, इसका मास स्मॉल m है, हम क्या बोलेंगे, 2u इज इक्वल टू 2 टाइम्स u बाय 4 प्लस m टाइम्स 5u बाय 4. तो u तो कैंसिल हो गया, इस इम्प्लाइज 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 5m, इस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1.2 kg. ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ रहा हूँ. 36. अ साइक्लिस्ट राइड्स अप अ हिल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. Determine the power developed by the cyclist if the length of the connecting rod of the pedal is R is equal to itna and time of revolution of the rod is R is equal T is equal to 2 second and the mean force exerted by his foot on the pedal is F is equal to 15 kg. देखो भैया क्या है, power बताना है, power is equal to work done upon time, that is equal to फोर्स इंटू 2πr अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 15g इंटू 2π इंटू आर इज 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 meter अपॉन टी इज 2 seconds, दैट इज इक्वल टू 15π/4g. इतना पावर है, दैट इज इक्वल टू 15 150 by 4 37, ऐसे नहीं करेंगे, 15g 150 इंटू 3.14 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 150 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा, 215 आएगा. ठीक है, सॉरी छोटा आएगा ना, मैं गलत बोल गया, 150 इंटू 3.14 है, 150 का 3/4 है ऑलमोस्ट, दैट इज 115.6. ठीक, समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसमें, अ क्वाइन ऑफ मास 4.8 kg एंड रेडियस 1 meter इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लाइडिंग. क्वाइन ऑफ मास है, क्वाइन का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, ठीक है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 600 rads/s, व्हाट इज द टोटल. ये तो बेटा पूरा ही रोटेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये कर लोगे ना खुद से, ये रिजिड बॉडी का क्वेश्चन हो गया पूरा पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन वाटर टाइट रेलवे वैगन ऑफ मास इतना के जी कोस्ट एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1.2 meter/s विदाउट फ्रिक्शन. बेटा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, बोनस होना चाहिए. 39. अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पोजिशन. अरे यार
A particle is displaced from a position this to another position this under the action of force this. The work done will be, देखो भैया work done होगा force vector dot displacement vector that is equal to 2i cap plus j cap minus k cap dot displacement vector है i cap minus j cap minus 3k cap, समझ में आया? That is equal to 2 minus 1 plus 3 that is equal to 4 joule. I cap minus j cap minus 3 k cap, सही था? इसमें भी कुछ टाइपिंग एरर भी दिख रहा है, यहाँ प्लस माइनस भी दिख रहा है, राइट? इसमें भी एरर है यार, कुछ ना कुछ एरर है, क्या है आई कांट फिगर इट आउट, बट माइनस जे का माइनस जो भी, मतलब डेटा में गलती होगी, इसके हिसाब से आंसर 4 जूल ही आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है? 4 ही आ रहा है ना, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। द मशीन गन फायर्स 240 बुलेट्स पर मिनट इफ द मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम एंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड द पावर ऑफ द गन इज, देखो भैया 240 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन बाय टाइम, सॉरी 240 तो लिख चुका हूँ ना, इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड है ना, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मास है 10 ग्राम, मतलब कि 10 टू पावर माइनस 2 इंटू वेलोसिटी है 600, तो 600 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3672। तो 7200 वॉट मतलब 7.2 किलो वॉट, ठीक है? आगे बढ़े 41। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर के वॉट्स इफ द पावर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड द फोर्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज, देखो भैया पावर है आपका के, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा के टी, है ना? कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज हाफ एम रहने दो, 2v dv बाय dt इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया, v अलग कर देते हैं, v टाइम्स ma इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज फोर्स F इज इक्वल टू के बाय v, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, फालतू इतनी मेहनत करी, दैट इज इक्वल टू v कितना है अंडर रूट ऑफ 2 के टी बाय एम, सो के अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 के टी बाय एम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एम बाय 2t।
फोर्स इक्वल टू पावर है वेलोसिटी, तो एकदम सही है। तो के अपॉन वी कितना आ जाएगा, वी तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के टी है, तो वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू के टी बाई एम, तो के अपॉन अंडर रूट ऑफ टू के टी बाई एम, तो अंडर रूट ऑफ के एम बाई टू टी, एकदम सही आ रहा है आंसर। अंडर रूट ऑफ के एम बाई टू टी ऑप्शन में क्यों नहीं है भाई? ये टी ना बेटा, ये टाइपिंग एरर, फिर से ये टी नीचे होगा और पावर माइनस ऑफ यहाँ होगा सर, ये रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आंसर यही है, अंडर रूट ऑफ के एम बाई टू टी, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन लिखने का तरीका गलत हो गया, बहुत एरर हो गया भाई आखिरी आखिरी में आके इस पेपर में एकदम से। 42, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू इतना जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। ब्लॉक का मास दे रखा है, x डायरेक्शन जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अच्छा टू रिटार्डिंग फोर्स ऑफ इतना, ठीक है, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो भैया रिटार्डिंग फोर्स दे रखा है, तो वर्क डन निकल गया, वर्क डन इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10, लेकिन रिटार्डिंग इसलिए माइनस, दैट इज इक्वल टू 1 जूल, माइनस 1 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000/2 500 माइनस 1, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स कैसे हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिर से कुछ टाइपिंग एरर दिख रहा है आप लोगों को, ये 0.1 इंटू लिखा हुआ है कुछ, ये मेरे ख्याल से समथिंग इंटू 10 टू पावर समथिंग फॉर्म में लिखना चाहिए, तो 0.1 इंटू लिख के कुछ छोड़ दिया, सो उसी से कुछ आ रहा है एरर, ठीक है। जो भी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज करके वर्क निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 4 की 5 गलत हो गए शायद तक। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल एम एंड 5 एम एंड रेडियाई आर एंड 2 आर आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम देयर सेंटर इक्वल टू 2 आर 12 आर। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन इज। देखो भैया इधर का मास है कैपिटल एम, इधर का मास है 4m, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 12 r, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2 r, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा, ये बचा है आपका 9 r, है ना, समझ में आई बात। तो बेसिकली ये जाएगा x कितना, यही आपको निकालना है, इसके लिए इसको आना पड़ेगा 9 r माइनस एक्स उल्टी डायरेक्शन में, तो लिखेंगे एम इंटू एक्स प्लस 4m इंटू निगेटिव ऑफ 9 r माइनस एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। इसका मतलब हो जाएगा कि 5mx इज इक्वल टू 36 r, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7.2 r, 7.2 r करेक्ट आंसर है, ठीक है। हद हो गई है, 7.2 और 1.8 एकदम सही है, सब में गलत हो गया, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं।
टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू हैव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी एंड के क्यू सच दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू. ओके, दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट के से एंड देन बाय द सेम फोर्स. द वर्क डन बाय द स्प्रिंग्स एज रिलेटेड, यार बाय द स्प्रिंग करके गड़बड़ कर दिया, नेगेटिव आने वाला वर्क डन बाय स्प्रिंग को. देखो भैया आपको ये पता है ना पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय टू के, ये पता है. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर माइनस एफ स्क्वायर बाय टू के. अब पार्ट ए में आपको क्या बोला, दोनों में एक्स सेम है, तो डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू, मैं एक्स क्योंकि सेम है इसलिए मैं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का ही रेशियो ले लेता हूँ, के पी एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर दैट इज सिंपली के पी बाय के क्यू. नाउ मुझे पता है के पी ग्रेटर देन के क्यू है, इम्प्लाइज ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मुझे बताइए. तो आया ना, देखो मैग्नीट्यूड में तो सही है बट अगर हम नेगेटिव साइन कंसीडर करें तो गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा हो गया डब्ल्यू पी जो है ना, डब्ल्यू क्यू से बड़ा है बट नेगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू क्यू होगा. और दूसरे केस में अपन एफ स्क्वायर बाय टू के यूज करके करेंगे तो डब्ल्यू क्यू लेस देन डब्ल्यू पी हो जाएगा. मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो ऑप्शन ए होगा और नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हुए करोगे तो ऑप्शन बी होगा. मैं इस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हुए आंसर लिखूंगा, ऑप्शन बी लिखूंगा. ठीक है बेटा, आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन ए ये दे रखा है, तो वही है ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है. यस, लाइन से छह क्वेश्चन गलत हो. अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स इतना न्यूटन, वेयर आई कैप एंड जे कैप, ठीक है यार, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी. देखो आपको दे रखा है फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2t i cap + 3t² j cap. इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास जो कि बराबर, मास 1 kg है तो दैट इज इक्वल टू अगेन 2t i cap + 3t² j cap. दिस इंप्लाइज dv dt इज इक्वल टू 2t i cap + 3t² j cap. दिस इंप्लाइज dv वेक्टर इज इक्वल टू 2t dt i cap + 3t² dt j cap. इंटीग्रेशन इनिशियली रेस्ट पे था क्या, बिगिंस टू मूव मतलब इनिशियली रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v वेक्टर हो जाती है तो मुझे मिलेगा v वेक्टर इज इक्वल टू t² i cap + t³ j cap. और फोर्स इतना है, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर दैट इज इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो 2t³ + 3t⁵ वॉट, 2t³ + 3t⁵. समझ में आई बात, इसके साथ आपका ये डिस्कशन खत्म हो गया. ठीक है बेटा, यस थैंक यू सर. फाइनली लास्ट क्वेश्चन सही था, बीच में 5-6 क्वेश्चन तो लगातार ही गलत हो गए, क्वेश्चन ही गलत है क्या करोगे, लेकिन ठीक है समझ में आई. क्वेश्चन जो गलत भी थे वो समझ में आया ना, सॉल्व कैसे करते हैं. यस सर. ओके बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में. यार ऐसा मत करो कि मेरे को 45 के 45 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, कुछ क्वेश्चन बोल दो कि हाँ सर हो गया है ना. चलो बाय.